कोरिया और अयोध्या का रिश्ता 2000 वर्ष पुराना है। ऐसे में जब कोरिया की महारानी अयोध्या पहुंच रही हैं, तो वो सिर्फ अयोध्या नहीं पहुंच रही, अपने मायके भी पहुंच रही हैं। ऐसे में अयोध्या वाले उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बताते चलें, अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव के दौरान जो शोभा यात्रा होनी है, उसमें कोरिया की महारानी को लखनऊ से गई एक खास बग्घी पर बिठाना था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब कोरिया की महारानी उस बग्घी पर नहीं बैठेंगी। कोरिया की महारानी अब उसी गाड़ी में बैठकर शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगी, जिससे वह लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगी। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।